हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेक्सी द जीएसडी। फ्रेंड्स, आज फिर से हम आ चुके हैं एक छत ब्लॉक पे। छत पे मैं लेकर आ चुका हूँ फ्लेक्सी को फिर से। और ये देखो इस टाइम क्या चबा रही है ये मैंने इसको बोन्स ला के दिए हैं, तो ये बोन्स चबा रही है। ये देखो ये वाइट वाइट कुछ दिख रहा होगा, मैं तो बताता हूँ ये क्या है जिसके ऊपर आज वीडियो बन रही है हमारी, ये वही चीज़ है। ये बोन देखो, ये बोन मैं लेकर आया था फ्लेक्सी के लिए क्योंकि ये चीज़ें चबाना शुरू कर दी थी इसने दोबारा से। तो छत में आपको दिखा दूँ, जो छत पे हम लेकर आते हैं फ्लेक्सी को, ये वाली छत नहीं है, ये दूसरी छत है। ये देख लिए, कुछ देर का व्यू दिखाता हूँ पहले। ये मैं अपने नानी के घर आया हुआ था, तो मैंने सोचा इधर की भी एक वीडियो बना लूँ छत की। तो ये मेरा घर नहीं है, मैं नानी के घर आया हूँ अपने। इधर भी बहुत ग्रीनरी है, ये देखो फ्लेक्सी कहाँ चढ़ी हुई है ऐसे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जिसके ऊपर हमने बनाई है मेन। आज की वीडियो जो मेन टॉपिक है वो है इफ़ हनी बी बाइट्स अ डॉग, अगर मधुमक्खी या कोई और कीड़ा आपके डॉग को काट जाए तो क्या करना चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फ्लेक्सी को भी मज़ल पे जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए आपको दिख रहा होगा वाइट सा थोड़ा, अब एकदम ठीक हो चुका है ये, मतलब थोड़ा बहुत रह गया है बस और बाकी ठीक हो चुका है। क्योंकि मेडिसिन बताऊँगा कौन सी मेडिसिन है, कुछ नहीं है, बस 70 रुपीज़ आपको खर्च करने हैं, आपका डॉग एकदम ठीक हो जाएगा। नो फ्लेक्सी, 70 रुपीज़ आपको खर्च करने हैं, 70 रुपीज़ मेडिसिन है। ये देखिए इसकी स्टैंडिंग पोजीशन में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि अब क्या है मैं इसको घर में खुला छोड़ देता हूँ क्योंकि नीचे तो नहीं ले जा पा रहा मैं लॉकडाउन की वजह से। तो मैं ऐसे ही छत पे इसको खुला छोड़ देता हूँ। घर में भी अब मैंने इसको, जैसे ये पट्टा रखा हुआ ना इसका, ये भी बांधना छोड़ दिया मैंने, सिर्फ ऐसे ही छोड़ता हूँ मैं फ्लेक्सी को घर में भी अपने। तो आप पहले फोटो देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था इसके साथ में। तो फ्रेंड, जो फोटो आपने देखी है इसमें जो फ्लेक्सी का मजल जो वाइट हुआ पड़ा एकदम आगे से, ये हनीबी के काटने की वजह से हुआ। शायद उसमें स्टिंग लग चुका था, स्टिंग छोड़ दिया था हनीबी में इसके मजल पे। अभी कुछ दिन पहले मैं इसको टेरिस पे ले गया था अपने, तो उधर एक हनीबी घूम रही थी बहुत ही मोटी सी, तो मेरा ध्यान नहीं गया और इसको इसके मजल पे बैठ गई। तो इसने उसको हटाने की कोशिश की, बट जब तक मैंने देखा और जब तक मैंने हटाया तब तक वो इसके अंदर स्टिंग छोड़ चुकी थी, अपना जो डंक है वो इसके अंदर छोड़ चुकी थी मजल पे। और बट इसको कुछ खारिश वारिश कुछ नहीं हुई, इसको दर्द कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगा नॉर्मल है सब कुछ। बट अगले दिन जब मैंने देखा गूगल पे कि क्या करना चाहिए, तो उसमें लिखा था कि बर्फ़ रगड़ लेनी चाहिए, लोहा वोहा सुना है मैंने, बट लोहा मैंने नहीं रगड़ा कि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है मजल जो होता है, इधर छिल भी सकता है, तो मैंने लोहा नहीं रगड़ा, मैंने बर्फ़ से इसको थोड़ा सा रगड़ दिया। उसके बाद जो फोटो आपने देखी है बर्फ़ से रगड़ने के बाद की है, बर्फ़ से रगड़ने के बाद इधर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। उस टाइम मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया क्या करना चाहिए, नो फ्लेक्सी, उस टाइम मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर ने मुझे एक पाउडर की फ़ोटो भेजी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पाउडर, दिख गया होगा आपको। वैसे नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे बहुत बड़ा नाम है, बताया भी नहीं जाएगा मेरे से, मेरे को याद भी नहीं इस टाइम पे। मैं आपको सामने भी दिखा देता हूँ पाउडर कैसा है, ये वाला पाउडर है, ये देख सकते हैं आप। आप अगर इसकी फ़ोटो खींच लें पास में से तो बेटर है। ये पाउडर है, इसकी कॉस्ट मैं आपको दिखाऊँ कितनी की है, 71 रुपीज़ का पाउडर है। अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा फ्लेक्सी के मज़ल पे, और ये दिन में 3 टाइम आपने लगाना है। अगर आपके डॉग को भी मधुमक्खी या कोई भी हनी भी या कोई मधुमक्खी या कुछ भी और कुछ काट जाए, या किसी और टाइप का अपना इंसेक्ट काट जाए या कुछ और, अगर इसके उस इंसेक्ट के काटने से पानी भी निकल रहा है उसके अंदर, तो भी ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ये आप लगा सकते हो। अभी मैं लगा के दिखाऊँगा। तो ये डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि ये आप लगाइए,
उसके बाद मैंने ये लगाया तो दो दिन हो चुके हैं, आज मुझे तीसरा दिन है लगाते हुए। और आप देख सकते हो तब से आपने फोटो देखी है फ्लेक्सी, ये देख ना, ये देख, ये मुंह नहीं दिखाई है अपना। तो ये तब से अब तक आप देख ही सकते हो इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है ये ही लगाने से। दिन में 3 टाइम लगाना है, मिस नहीं करना बिल्कुल भी। आप लगाइए, अभी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए ये पाउडर है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह लगाने की। इस तरह का है ये, आगे से जहाँ पे भी हुआ है ना उस तरफ बस हल्का सा पाउडर उस तरफ, और लगाने के बाद मल दे आराम से। डॉग इसको चाटे ना, ध्यान रखना आँख में ना जाए, उस तरफ उस एरिया पे और उसके आसपास के एरिया पे पूरा मल दीजिए पाउडर को अच्छे से ना। अच्छा अच्छा बस उसके आसपास मल दे उस पाउडर को, और 3 टाइम जैसे मैंने बोला दिन में 3 टाइम लगाना आपने ये, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। पाउडर का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया फोटो मैंने आपको दिखाई दी है पहले, 70 रुपीज़ का पाउडर है, बहुत ही अच्छा पाउडर है। तो बाकी मैं चाह रहा था कि आपको भी पता लग जाए, क्योंकि मैंने भी देखा था यूट्यूब पे तो किसी ने नहीं किया था ऐसा, मैंने सोचा चलो मैं ही बता देता हूँ। तो फिर आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बाकी सपोर्ट आपका दिख ही रहा है मेरे को, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग मुझे। जो होममेड डिवॉर्मिंग थी उसको बहुत ही ज़्यादा अचानक से व्यूज़ मिले हैं, तो थैंक यू आप सबका। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।